नए एक्सपेरिमेंट किए कबूतरों के ही साथ ही, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएफ प्रिज़न। तो स्वागत है मेरा नई वीडियो में। तो आज की वीडियो ये है कि आज हमने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए कबूतरों के ही साथ ही, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो एक्सपेरिमेंट। काफ़ी अजीब है क्योंकि हमने कबूतरों के अंडे में साथ में मुर्गी के अंडे भी डाल दिए। तो चलिए दिखाता हूँ क्या बच्चे निकलेंगे कि नहीं। इसमें ये हुमर है इसके, इसमें रखे बस। ये मुर्गी के अंडे हैं, इसमें दो अंडे ऑलरेडी कबूतर के, और एक और दो अंडे हमने रखे हैं। गाइस काफी बच्चे हो रखे हैं, यहाँ हैं बच्चे, इसमें भी बच्चे, इसमें भी बच्चा है, और तो काफी बच्चे तो बाहर भी निकल गए। इसमें भी नहीं है, ने बोला कि यहीं कहीं रखे हैं, फिलहाल में तो दिख नहीं रहा है। अरे यार किसमें है, शायद इसमें है। हाँ इसमें है अंडा, लेकिन इसमें भी एक मुर्गे का अंडा है। बच्चे यहाँ भी हैं, काफी ड्रास्टिक वो है। ये देखिएगा इस, इसको हमने एक और ब्लैक कलर का नसारा, उससे हम जोड़े लगाते लगाते थक गए, बट ये लगा नहीं किसी से जोड़ा, और ये लगा है हुमर से। फिर हुमर का जोड़ा उसके फीमेल से लग गया है, इसको अंडे सेकने नहीं देती। अभी ये मेरे तोते ग्रीन पैरट, अभी हमारे पास 7 पैरट हो गया, 2-4 तो ऊपर है, 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, और एक तो मेरे पहले से बहुत घर पे थी, तो वो घर में बहुत क्लोज है, फ्रेंडली है, और इस वजह से वो ऊपर नहीं लाते। पहले लाए थे भी तो, और एक वीक पहले हमने एक उस पे से गिरा हुआ था, मिले पेड़ पे से मिला, और आज एक और हमें पेड़ पे से गिरा हुआ मिला, तो हम उसको उठा के लाए हैं और फिर उसको हम रखे हैं। 2 बच्चे हो गए, एक तो एक वीक का मतलब बड़ा था वो ऑलरेडी, और एक वीक से हम ला के रखे उसको, अभी दाने डालते हैं। और आज मैंने एक और लेके आए, अभी हम जा रहे थे हम और भाई कहीं काम से, तो हमें पेड़ से गिरा हुआ मिला रोड पे, तो हम उसको लेते आए हैं। और गाइज एक चीज आपको और दिखानी है, हमारे पास फिश भी थी, तो फिश ने अभी बच्चे दिए जल्दी, तो मैं आपको चलिए वो भी दिखाता हूँ। तो उसको भी हमने छत पे रखे एक्वेरियम से निकाल के, इसमें है तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पर चढ़ूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको, तो इसके लिए मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो चलते थोड़ा ऊपर, और तोते की वीडियो मैं कल नहीं तो परसों जरूर अपलोड कर दूंगा। गाइस बाज आ गई इस पर तुरंत, इसकी वजह से मेरे कबूतर। तो अभी थोड़ा रुकते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ बच्चे कैसे हैं। गाइस इसमें हमने रखे हैं, आपको दिख भी रहे हैं नहीं, ब्लैक ब्लैक कलर के हैं छोटे छोटे, ये सारी चीज़ मेरे को हटानी पड़ेगी तब आपको दिखेंगे। अब मैं हटाता हूँ, ट्राइपॉड की वजह से नहीं दिख रहा गाइस, तो मैं अभी निकालता हूँ ट्राइपॉड में से वीडियो अपना कैमरा। गाइस दिखना तो चाहिए, दिखा गाइस आपको, बहुत सारे हैं, कम से कम 30-40 होंगे। और ये हमने बस मछली के लिए जुगाड़ लगा के रखा है जो भी है, अभी तो फिलहाल में एक दिख रही है, उधर ही है, उधर है, उधर थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी गाइस, इसके नीचे हैं और इसमें इसमें होंगे। बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं कितने दिन से सोच रहा था अपने एक्वेरियम की वीडियोस बनाने के लिए, अभी फिलहाल में कल रात एक और मछली ने अंडे बच्चे दिए डायरेक्ट। पहले हमें लगता था अंडे देंगे बट
अरे बच्चा गिरा 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 चलते चलते मुझे जंप करना पड़ेगा। आ आ जी, हमने कल कबूतर पकड़ा है, पूरी आंखें रेड जंगलियों की तरह। आज आपको निकाल के मैं अंडा दिखा दूँ, कितना बड़ा है वो अंडा मुर्गी का। चले निकालो, देख सकते हो मुर्गी का अंडा है। दो मुर्गी के अंडे वापस से रखते हैं, और ये सारे मेरे कबूतर बच्चे ही बच्चे बच्चे ही बच्चे। गाइस कितने कबूतर के बच्चे मुझे मेरे मर भी गए। ये मेरा किंग कबूतर का बच्चा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, और ऐसे सपोर्ट बनाए रहे। ओके टाटा बाय बाय।